खबर रीवा से है, जहां एक बार फिर गोवंश के साथ क्रूरता का मामला सामने आया है। दरअसल सोहागी थाना क्षेत्र के ग्राम खमहा नहर के नाले में जानवरों को धकेलने का मामला प्रकाश में आया है, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम और मध्य प्रदेश कृषक पशु परीक्षण अधिनियम की धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया है। बताया जाता है कि स्थानीय निवासी मनोज कुमार ने शिकायत दर्ज कराया था कि जंगल में आधा सैकड़ों जानवरों को धकेल दिया गया है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जहां जानवरों को निकालने का प्रयास किया है, वहीं अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। आपको बता दें कि यह कोई पहला मामला नहीं है जब जानवरों के साथ क्रूरता करते हुए पहाड़ों में धकेला गया है। एक तरफ गौशाला निर्माण के नाम पर करोड़ों का घोटाला किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ जिसके नाम पर घोटाला किया जा रहा है उन्हीं जानवरों के साथ क्रूरता की जा रही है। ऐसा ही एक वीडियो रायपुर करचुलियान जनपद के व्यवहारा गांव से प्रकाश में आया है, जहां पंचायत भवन के अंदर जानवरों को बंद करके पीटा जा रहा है। आप भी देखिए वीडियो, जिसे देख आपका भी दिल दहल जाएगा कि किस तरह से निर्दयी लोगों ने गोवंशों के साथ क्रूरता की है। मर गया है, देखिए ना, देखे दादा ये कहाँ का स्थान है। एक ये देखिए गाय मर गई है, देखा दादा मर गया है, देखिए खत्म हो गई, मरी है इतनी बुरी स्थिति से मार रहे हैं लोग। ये कहाँ किया यार,